तो हेलो गुड इवनिंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल उन्नति जॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगला मैच जो होने वाला है उसकी वीडियो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कौन सी टीम आपको बनानी है। ये अगला पेशावर का जो मैच है, पेशावर कराची का, बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है। और इस मैच में आपको क्या करना है, कौन सी टीम बनानी है, कौन खेलेगा, कौन चलेगा, कौन नहीं चलेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं। तो गाइस, ये मैच होने वाला है कराची में, ठीक है। कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, यहाँ से ये तीन खिलाड़ी खेलने वाले हैं, लेकिन यहाँ से मैं पिक करूँगा। देखिए बंटन जो है अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत तेज़ खेलने वाले खिलाड़ी हैं, चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से दोनों को लूँगा। कमरान अकमल भी सिर्फ शुरू के दो मैचों में चले हैं, उसके बाद नहीं चले हैं। लेकिन ये जो पिच है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यहाँ पर पिछले मैच में 183 रन लगे थे और उसके बाद 187 रन दूसरी टीम ने बना दिए थे, यानी कि चेस करने के मामले में ये बहुत अच्छी पिच है। अब बात करते हैं दूसरी खिलाड़ी की। और दूसरा मैच जो होता है यहाँ पे, वो होता 12-12 ओवर का, बारिश के कारण 12 ओवर का मैच हुआ था। उस 12 ओवर में भी 132 रन मारे थे दूसरी टीम ने, ठीक है। तो बहुत अच्छी पिच है ये देखने को, और यहाँ पे अच्छा खासा बैटिंग फ्रेंडली पिच है ये। बाबर आजम चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा, और यहाँ से मैं जो है हिल्स को भी ड्रॉप नहीं करूँगा, ठीक है। चाहे तो आप शादाब खान को ले सकते हैं, पिछले मैच में अच्छा खासा इन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं ड्रॉप करूँगा इनको। हैदर अली को मैं ज़रूर लूँगा, ये तीन खिलाड़ी मेरे रहेंगे। आगे आते हैं हम यहाँ पे ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में माद वसीम ने अच्छा खासा इस विकेट पे वर्क किया है। डेलपोर्ट को भी लूँगा और मैं यहाँ से जॉर्जी को भी लूँगा। ये तीन ऑलराउंडर मेरे पास रहेंगे, तीन बैट्समैन रहेंगे। और यहाँ से बॉलर की बात करते हैं, तो बॉलर को मैं बताता हूँ आपको कौन सा लेना है। हसन अली का रिकॉर्ड इस पिच पे बहुत अच्छा है। यहाँ से मोहम्मद आमिर को लेंगे और यहाँ से आप लेंगे उमेद आसिफ को, ठीक है। तो गाइस, ये टीम मेरी होने वाली है, इसी टीम के साथ मैं खेलूँगा। आपको कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब यू आसिफ को हटा के तो हटा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी ही टीम चलेगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी टीम के साथ खेलेंगे तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो ये है मेरी टीम। आप चाहते हैं यहाँ से मोहम्मद आमिर को हटा कर यहाँ से आप जो है वहाब रियाज को ले सकते हैं, और अब तब जाके आप यहाँ से जो है आसिफ को ले सकते हैं। तो ये भी टीम आपकी एक परफेक्ट टीम रहेगी, आप चाहें तो इस टीम के साथ भी खेल सकते हैं, ओके गाइस। तो इस वीडियो अब इसमें कैप्टन में आपको क्या करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाएंगे। देखिए सभी लोगों ने मोस्टली कमरान अकमल को बनाया हुआ है, किसी ने वंटन को बनाया हुआ है, लेकिन सबसे मोस्टली बनाया हुआ बाबर आजम को और यहाँ से जॉर्जरी को। मैं यहाँ से जो है एक बहुत बड़ा रिस्क लूँगा, क्योंकि मैं ग्रैंड लीग खेलता हूँ मोस्टली, तो मैं यहाँ से ग्रैंड लीग में बनाऊँगा जॉर्जी को कैप्टन। और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो वाइस कैप्टन में हैदर अली को बनाऊँगा, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखिए हैदर अली नंबर 2 डाउन पे खेलने के लिए आएंगे, और अच्छा खासा जो है वो हिटर बल्लेबाज है, और अच्छा खासा तीनों मैच में कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस अपना जो है परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, ठीक है। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है आज की डेट में, इस वजह से मैं इनको वाइस कैप्टन बनाकर भेजूँगा। और जॉर्जरी को कैप्टन क्यों बनाऊँगा, क्योंकि उसके बाद हैदर अली के बाद खेलने के लिए जॉर्जरी आते हैं, और जॉर्जरी में क्या है कि ये आपको पिछले मैच में 4 विकेट भी देकर गए थे, तो अच्छा खासा विकेट भी ले लेंगे, और आपको ये बैटिंग ऑर्डर में भी ऊपर पे टॉप ऑर्डर पे आते हैं, ठीक है। पर शुरू में कमरान अकमल और बंटन अगर थोड़ा बहुत चल गए, उसके बाद आपका हैदर अली आएगा, फिर आप खेलने के लिए जॉर्जरी आएगा, ठीक है गाइस। तो ये टीम आपकी रहेगी 100%, इसी टीम के साथ आप खेलिएगा और इसी टीम से आप जीत के दिखाएंगे, ठीक है गाइस। ये बना दी मैंने टीम और इसी टीम के साथ आप खेलिएगा। वैसे मैंने दूसरी टीम भी बना रखी है, दूसरी टीम मेरी ये है, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल मैं इस टीम के साथ खेलूँगा, आप इसी टीम के साथ जाइएगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से बाबर आजम को ड्रॉप कर सकते हैं, बाबर आजम को ड्रॉप करके आप यहाँ से एक दूसरा ऑप्शन आपके पास में बताया तो आपके पास क्या है, बाबर आजम को यहाँ से ड्रॉप करेंगे, आप इफ्तिकार अहमद को ले सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन अच्छा रहेगा गाइस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ इसी टीम के साथ खेलिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।